हाय दोस्तों, आज हम स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 मीटर कपड़ा। ये हमारा 1.5 मीटर कपड़ा है। इसे हम 4 फोल्ड करेंगे और इसमें हमें दो ही नाप चाहिए, एक लंबाई और एक कमर। लंबाई है 23 इंच और कमर है 27 इंच। इसी के नाप से हमें स्कर्ट बनाना है। चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा 1.5 मीटर कपड़ा है। ऐसे हमें दोनों किनारी को बराबर करते हुए ऐसे रख लेना है। फिर हमें एक बार और ऐसे फोल्ड करना है। इसे हम अच्छे से बिछा लेंगे। ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई। अब हम इसमें नाप लगाते हैं। अब हम इसकी लंबाई लेते हैं। लंबाई है 23 इंच। यहाँ हमें बेल्ट के लिए 2 इंच ऊपर छोड़ के और 23 इंच पे हमें निशान लगाना है। हाफ इंच यहाँ हमें सिलाई में जाएगा हमारा। हाफ इंच हम मार्जिन लेंगे। यहाँ हमें 2 इंच ऐसे रखते हुए लंबाई लेनी है 23 इंच। इसके बाद हम 2 इंच नीचे लेंगे, फोल्ड करेंगे सिलने के लिए। 2 दोस्तों हमने निशान लगा दिया है, हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हम बेल्ट बनाएंगे। इसकी कटिंग हमने कर ली है। यहाँ जो ज्वाइंट है, हम इसे भी कट कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा 2 पार्ट में है। घेरे के लिए ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारी 2 पट्टियाँ बची हुई हैं। इसमें हम बेल्ट में जो लुप्पी लगाते हैं उसके लिए इसमें कटिंग कर लेंगे और ये हमारे बेल्ट के काम आएगा। ये हमारा बेल्ट है 5 इंच, इसका हम आधा करेंगे 2.5। बेल्ट हम 5 इंच लेंगे, 2 इंच का बेल्ट हमारा बनेगा। हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसलिए हमने 5 इंच इसको रखा है। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा, 4 इंच बचेगा, 2 इंच का हमारा बेल्ट तैयार होगा। कमर की चौड़ाई 27 इंच है। 27 पे हम एक निशान लगाएंगे और 3 इंच हम इसमें स्टर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तीन इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है, हाफ इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ
यहाँ जाएगा सिलाई में, बाकी बचा हमारा 2 इंच, 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, 2 इंच हमारा बचेगा। जैसे कमर कभी किसी की टाइट हो जाती है ढीला करने के लिए, हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा रहेगा। हाफ इंच हम यहाँ सिलाई मार्जिन के लिए रखते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कमर की जितनी चौड़ाई है 27 इंच, यहाँ से हम 27 इंच रखेंगे। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। इंच यहाँ हमारा हो गया सिलाई मार्जिन। हम यहाँ पे ऐसे इस निशान से ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ हमारा बचा हुआ है 2.5 इंच, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। कमर की चौड़ाई हमारी 27, इसका आधा हम हाफ लेंगे, 13.5 इंच ये हमने हाफ फोल्ड किया है। हम इसे 2 फोल्ड और कर लेंगे। हमें यहाँ कट लगाना है। चाहे आप निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमने 4 कट लगाया है। चलिए हम घेरा नाप के बता देते हैं कितना है। साठ इंच का हमारा घेरा है। ये हमारा सिंगल कपड़ा है। दूसरे कपड़े को हम इस पे डबल रखने के बाद ये हमारा हो जाएगा 120 इंच। घेरा हमारा हो गया इसका नाप। अब हम चलिए पॉकेट की कटिंग करते हैं। पॉकेट के लिए हमने कपड़ा लिया है, कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ अगर हमारा बराबर नहीं है तो हम बराबर कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हमें 6 इंच रखनी है। इसे हम सीधा कर लेते हैं। एक या 1.5 इंच आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने यहाँ 1 इंच रखा है। अब यहाँ से हम 5 इंच लेंगे, ये जो हमारा ओपन साइड है, और 5 इंच हमारा यहाँ थैले के लिए है। 1/2 इंच हम रखेंगे मार्जिन। इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हमें पॉकेट की गोलाई बनानी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पॉकेट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसे हम बताएंगे किसे ऐसे अटैच करना है। सिंगल सिंगल करेंगे तो हमारा 120 आएगा। ये हमारा 120 सिंगल है। और बेल्ट का नाप लेंगे हम। 1/2 इंच हमारा यहाँ सिलाई मार्जिन है। और यहाँ से हम 27 इंच लेंगे कमर का नाप। 27, 120 में हम यहाँ 27 माइनस करेंगे,
आएगा 93। अब हम बेल्ट में निशान लगा लेते हैं। ये 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, यहाँ से हमें 1 इंच यहाँ लेना है। इसके बाद हमें 1.5 इंच या 2 इंच आप जितना लगा सके, हम तो 1.5 इंच लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेंगे, 27 इंच है। 27 इंच के अंदर हमने जितना निशान लगाया है इसे हम गिन लेंगे। गिनने के बाद हम इसे इसमें भाग देंगे। ये हमारा 16 आ रहा है, अब हम इसमें भाग देंगे। रानवे में हम दोस्तों 16 से भाग देंगे, 5.8 पॉइंट हमारा आ रहा है। 5.6 इंच की दूरी से हम निशान लगाएंगे। प्लेट बनाने के लिए दोस्तों हम निशान लगाएंगे, 1 इंच हम यहाँ से लेंगे। उसके बाद हमने जो ये भाग दिया था 5.8 पॉइंट, 5.6 इंच आ रहा है, यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 5.6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ हम 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे। फिर यहाँ 5.6 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे करके हमें पूरा लगाना है। दोस्तों हमने निशान यहाँ लगा दिया है। चलिए हम अब बताएंगे पॉकेट कैसे अटैच किया जाता है। ये हमारी पॉकेट है, इसमें अभी हमें 2 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई दो कपड़े लगेंगे। इसमें हम अपनी पट्टी काट लेते हैं 2 इंच की चौड़ाई और 7 इंच लंबाई। इस पट्टी को हमें यहाँ पॉकेट में लगाना है। यहाँ हम लगाएंगे ओपन साइड, हमारा ओपन साइड रहेगा, यहाँ दिखेगा नहीं ये पट्टी लगाने से। इसे हम यहाँ अटैच कर देंगे।